हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्त। मैं हूँ आपका दोस्त राजेश्वर मौर्या और आप देख रहे हैं मौर्य लाइव टच। तो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का इस नए वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होगी, इसलिए इस वीडियो को विधिवत ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसमें जो बताया जा रहा है उसको भी पूरी तरह से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को इसमें विधिवत जानकारी देने वाला हूं उन पीएसएन निवेशकों को जिन्होंने अब आवेदन किया था पैसे लेने के लिए, और जिन निवेशकों का पैसा आया है या फिर जिन निवेशकों का पैसा नहीं आया है। आज मैं उन लोगों को इसमें पूरी की तरह से जानकारी दूंगा जो कि उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने या फिर जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें एक जानकारी मैंने आप लोगों को दी थी, जो 3 दिसंबर को सेबी द्वारा एक इन्फॉर्मेशन आया था, उन्होंने उसमें क्या बताया था। तो आज मैं उन्होंने जो उस में इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया था, जो जानकारी उन्होंने दी थी, उसके अकॉर्डिंग मैं जानना चाहता हूँ कि हम लोगों के पास उन्होंने जितना बताया है उतनी रकम उन्होंने भेजी है या फिर नहीं भेजी है। तो पहले मैं आप लोगों को कुछ और बातें बता दूँ कि इस वीडियो में आप लोग को बहुत ही जानकारी जो मैं दूंगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को भी कुछ सहयोग करना होगा, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ, सेबी ने जो बताया है वो बात सही है या फिर गलत है। तो पहले बात मैं आप लोगों को ये बता दूं इन्फॉर्मेशन देने से पहले, जो कि सभी पीएसएन निवेशकों के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये भी जानना कि सेबी झूठ बोल रही है या फिर हम लोगों के पास उतना प्रॉफिट हुआ है। तो सेबी ने पिछले वीडियो में हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दी मिली थी, उन्होंने बताया था, जो पोस्ट आया था उसमें बताया था 7,77,000 के आसपास निवेशकों का भुगतान कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बताया है कि 7,77,000 ऐसे कुछ है जिन्होंने उन्होंने पीएसएल निवेशकों का भुगतान किया है, बाकी उन्होंने लिस्ट भी जारी की है। उन्होंने बताया कि इसमें बाकी लोगों का आवेदन फिर से होगा या फिर इनकी इन लोगों का जो गलतियां थी इस रीजन से इन लोगों का भुगतान नहीं हुआ है। तो वही हम लोग इस वीडियो में चेक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सेबी जो बोल रहा है वो बात सही है या नहीं। तो पहले मैं चेक करने वाली बात कैसे, यानी कैसे हम लोग चेक करेंगे कि उन्होंने बताया है कि 100% में से 80% या भी 50% निवेशकों का मैंने भुगतान कर दिया है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, अब हम कैसे चेक करें और कैसे पता करें। तो दोस्तों, अब यहाँ पर बात आती है कि जिन निवेशकों का भुगतान हो गया है या फिर नहीं हुआ है, तो और जिन दोस्तों ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज एक बार मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ठीक है दोस्त, ताकि हर निवेशक के पास पहुंच जाए। जिन निवेशकों का भुगतान हो गया है या फिर जिन निवेशकों के पास पैसा आ गया है, प्लीज़ वे कमेंट बॉक्स में जाएं और बता दें कि मुझको इतना पैसा आया हुआ है और यस हाँ मुझको पैसा आया है और इतना आया है, ठीक है दोस्त। और उसके बाद जिन निवेशकों का भुगतान नहीं आया है वे लोग सीधा लिख सकते हैं नो सर, मुझे पैसा नहीं आया है, ओके दोस्त। तो इससे क्या होगा कि इससे मुझको भी पता चल जाएगा कि सेबी ने जो बताया है वो बात सही है क्या, क्योंकि अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे वीडियो पर इतने लोगों ने देखा है और इतने लोगों में से इतने लोगों का पेमेंट आ चुका है और इतने लोगों का पेमेंट नहीं आया है, इससे ये पता चल जाएगा, ओके दोस्त। तो अब बात हुई, यहाँ तो हो गई कि रिजल्ट जो उन्होंने बताया है कि हम लोग उनकी बातों को सही समझें या झूठ, तो यहाँ पर पता चल जाएगा, ओके। अब हम लोग आते हैं सेबी के जो 3 तारीख को जो दिसंबर के आया था उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स भी दिए थे, तो वही मैं आप लोगों को इसमें बताऊँगा। उन्होंने बताया था कि पीएसएल निवेशकों को आपका जो हमने पीएसएल उन सभी पीएसएल निवेशकों का भुगतान कर दिया है जिन निवेशकों के आवेदन में कोई त्रुटि नहीं थी। क्लेम करते वक्त उन्होंने जो जो दस्तावेज मेरे पास सेंड किए थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि हमने उनको उनका भुगतान कर दिया है, वो अपना पैसा उनके अकाउंट में उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया यहाँ से।
ओके दोस्त, तो अब यहाँ पर उन्होंने तो ये बता दिया कि जिन निवेशकों के आवेदन में कोई त्रुटि नहीं थी उनके पास वो भुगतान कर दिए हैं, और जिनके पास त्रुटि है उनको भुगतान नहीं किए हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये बात ज़रूर समझना है कि जो त्रुटि हुई है उसको अब सुधारे कैसे। अब उसके भी लिए भी ज़रूरी है कि पोर्टल को फिर से ऑन किया जाए, या फिर आप कोई नया सुझाव दें जिससे कि हम लोग आवेदन कर सकें। अब यहाँ पर सेबी ने बता दिया कि भैया आपका जो भुगतान नहीं हो पा रहा है उसका रीज़न है कि आपने जो आवेदन किया है वो गलत है। चलिए ठीक है, मैंने जो आवेदन किया है वो गलत है, लेकिन अब आवेदन कैसे करें उसको सही करने के लिए प्लीज़ आप लोग फिर से या फिर से भी उसको उस साइट को ओपन करें जिससे कि हम लोग निवेशक अपना आवेदन स्टार्ट कर सकें, हम अपना पैसा लेने के लिए आवेदन करें। ऐसा कोई सुविधा बताएं, या फिर हम लोग उसको आवेदन कैसे करके अपना भुगतान लें, ऐसा कोई सुझाव तो ज़रूर दें। सिर्फ कि आप लोग सिर्फ यही इतना बताना चाहते हैं बता सकते हैं कि आपका आवेदन गलत है, आपका आवेदन सही था इसलिए हमने पैसा भेजा है, आपका आवेदन गलत था इसलिए हमने पैसा नहीं भेजा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने तो अपनी सफाई दे दी PSL निवेशकों को, अब वो पैसा लेने के लिए क्या करें, ये भी सुझाव सेबी को देना चाहिए। जब तक ऐसा अपना कोई ऐसा कोई सुझाव नहीं देंगे तब तक PSL निवेशक अपना पैसा कैसे लेंगे, या फिर उस पोर्टल को फिर से चालू किया जाए जिससे कि हम निवेशक अपना भुगतान ले सके। जी हाँ दोस्तों, तो उन्होंने तो ये तो बता दिया था कि हमने 7,77,000 या 70,000 जो भी है उसके अकॉर्डिंग हमने इतना पैसा निवेशकों को बांट दिया है। तो दोस्तों इतना आवेदन हुआ है, इतने निवेशकों ने पैसा जमा किया है, सिर्फ 7,77,000 के आसपास ही निवेशकों का भुगतान हुआ है, और भी सब बहुत ज़्यादा था यार, ये तो बहुत ही कम हुआ है। बाकी जो निवेशक थे उनका भुगतान कब होगा, उनका भी पैसा फंसा हुआ है, उन्होंने भी पैसा जमा किया है, उनका भी बांड आपके पास भेजा गया है, उसको चेक करके उनके पास भुगतान सेंड भेजिए। आप लोग भी ऐसा कुछ करें कि जिससे कि सेबी खुद पैसे के लिए देने के लिए मजबूर हो जाए। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी बहुत अच्छी दी है, इसी के अकॉर्डिंग ये पता लगाया जा सकता है कि सेबी जो है वो हम लोगों को पैसा जो दे रही है, जो निवेशकों को पैसा आ गया है, कितने निवेशकों को पैसा आया है, कितने निवेशकों को पैसा नहीं आया है, इसके अकॉर्डिंग पता लगाया जा सकता है। जी हाँ लोग दोस्तों, क्योंकि आप लोग जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझको भी पता नहीं चलेगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जिससे कि मुझको भी पता चले। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को मौर्यजी लाइव टच को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली इसी प्रकार के वीडियो मिलेगी जो कि आपके लाइफ में एंड आपको हमेशा पावरफुल एंड बेहतरीन न्यूज़ देती रहेगी। तो इस वीडियो को शेयर मत करना भूलिएगा दोस्तों, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आप लोग इस वीडियो में खो जाते हैं तो जो लाइक नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ दूंगा, क्योंकि अगर इसमें न्यूज़ वो इन्फॉर्मेशन दे दूंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ओके दोस्त, अब आगे यहाँ पे महेंद्रपाल सिंह जी भी हम लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो PSL निवेशकों आप लोग से मदद चाहिए कि उनका भी सहयोग आप लोग करें, वो जो कदम उठा रहे हैं वो बहुत अच्छा है, तो आप लोग भी उनका सहयोग देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अब आप लोग थोड़ा कमेंट्स में बता देता हूँ कि कुछ जो कुछ मेरे पास कमेंट्स आए हुए हैं उन्होंने उसमें क्या पूछा है। तो दोस्तों मेरे पास पहला कमेंट्स आया हुआ है, उन्होंने सर ने पूछा है कि सर ये जो भुगतान है हमको अभी तक नहीं आया है। तो दोस्तों यहाँ पर पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने लगभग पता लगाया है कि कुछ लोगों ने तो कमेंट में बताया कि सर हमारा भुगतान आ चुका है, बहुत से निवेशकों ने लगभग बताया कि हमारा भुगतान नहीं आया है, कुछ दोस्तों ने बताया, उन्होंने खुद बताया कि सर मेरी ही गलती है, मैंने आवेदन करते समय
पैन कार्ड के स्थान पर आधार कार्ड अपलोड कर दिया था। तो दोस्तों यहाँ तो इन्हीं की ही गलती है, यहाँ कोई से भी गलती नहीं है। तो दोस्तों इसी पर का पता लगाया जा सकता है कि हमारे द्वारा गलती हुई है या फिर सेबी के द्वारा गलती हुई है, और कितने निवेश को पैसा आया है, कितने को नहीं आया है, ये सब इसी प्रकार पता लगाया जा सकता है। तो उन्होंने अपना खुद बताया है कि हाँ सर, मेरे वजह से एक तो गलती हुई है, और दूसरा एक कमेंट्स और आया है कि सर मान लीजिए मैंने जो गलती की है उसको सुधारे कैसे, क्या सर वो पोर्टल फिर से ऑन होगा? तो दोस्तों इसके बारे में मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि ये पोर्टल वेबसाइट जब ऑन होगा तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा, क्योंकि ये वेबसाइट सेबी के द्वारा ही ऑन किया जाएगा। तो ओके दोस्त, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स आप सभी का इस वीडियो में अधिक टाइम देने के लिए और अपना कीमती समय इस पर देने के लिए, और अधिक से अधिक आप लोगों का प्यार पाने के लिए मैं इस वीडियो पर हमेशा रहूँगा, और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू आप सभी का, धन्यवाद।